24 जुलाई 2023 देश का मौसम। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते संडे न्यूज में। हम बात करें मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। क्या बड़ा अपडेट है मौसम विभाग का, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी मौसमी खबरों से अपडेट। किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बना हुआ है सबसे पहले जान लेते हैं। मानसून ट्रफ रेखा नलिया, अहमदाबाद, इंदौर, सिवनी, रायपुर, गोपालपुर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर उत्तरी अंडमान सागर से गुजर रही है। वहीं चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व विदर्भ और इससे सटे दक्षिण छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है और एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जो कि समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। एक कतरेन क्षेत्र औसतन समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर के बीच 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर चल रहा है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और इससे सटे दक्षिण पूर्व राजस्थान और उत्तर पूर्व गुजरात पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। कल 24 जुलाई तक उत्तर पश्चिमी और सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ताज़ा निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज और भारी बारिश दर्ज हुई है। वहीं उत्तरी पंजाब, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई। वहीं पूर्व उत्तर भारत, गंगी पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में और तमिलनाडु में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। आने वाले 24 से 48 घंटे की मौसम की यदि बात करें तो आने वाले 24 से 48 घंटों में सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिणी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरांतरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिणांतरी कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और दिल्ली में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। बाकी स्थानों पर जैसा मौसम 24 घंटे पहले था वैसा ही रहेगा। तो लेटेस्ट अपडेट था मौसम विभाग का। वीडियो को जैसे शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, रह सके मौसम विभाग की सभी अपडेट खबरों से अपडेट।